यो हेलो गाइस, सो आगे तुम सभी का मेरे चैनल ट्रेनर एक्स एंड पोकेमॉन फायर एक्सटेंडेड के एक और एपिसोड के अंदर। तो भाई पिछले एपिसोड के अंदर भाई मेरे बहुत देर तक बकचोदी करते रहा मैं, मतलब मैं क्या बोलूं यार, मेरा दिमाग अभी भी हिला पड़ा है बहुत भयंकर तरीके से। भयंकर क्यों हिल रहा है? ओके तो मैं तो बता देता हूँ भाई क्या सीन था। भाई मैं जैसे पोकेमॉन लीग के अंदर आया भाई, मैंने देखा भैंचो ट्रेनर आए जा रहे साले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। और बाद मुझे एहसास हुआ कि जितने भी पोकेमॉन के टाइप्स हैं ना, उनके ट्रेनर्स भिड़ेंगे मेरे से पोकेमॉन लीग के अंदर। तो कम से कम 10 से ज़्यादा ट्रेनर्स तो आए थे डेफिनेटली यार। मुझे नहीं पता कितने ट्रेनर्स आए, मैं काउंटिंग नहीं कर रहा था। और हाँ, पोकेमॉन लीग में घुसने से पहले भाई मैंने बहुत सारी रिवाइव्स पोशंस वगैरह खरीद, लाइक ऑलमोस्ट मैं दिखा देता हूँ, मैंने 50 से ज़्यादा में रिवाइव्स और फुल रिस्टोर पोशंस वगैरह खरीदा था। लेकिन भाई मेरी फुल रिस्टोर 22 बची है, और अपना कहाँ है दूसरा सीन कहाँ गया भाई, और मैक्स पोशन 15 बचा है, हाइपर पोशन 13 बचे हैं, और देयर इज़ नो रिवाइव्स। ठीक है, मेरा मतलब मेरे पास एक भी रिवाइव नहीं है, बची है। और यार एक मैं नर्वस हो रहा हूँ, बहुत टाइम के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एक गुड न्यूज़ है, मेरा स्टोरेज का मामला सीन जो भी ख़राब था वो अब ठीक हो चुका है। लाइटिंग वगैरह सेटअप जो था मेरा वो भी मतलब एवरेज, मतलब ठीक ठाक है, वो कितना कुछ खास भी नहीं वैसे। और मेरे बाल देखो, मेरे बाल मेरी आंखों के पास आ रहे हैं, इसलिए मैं ध्यान से देख भी नहीं सकता फिलहाल, इस फालतू वक्त होती है सारी। और हाँ कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मतलब बस आलस मेरी ठीक नहीं हुई है, ठीक है ना। जब मेरी आलस ठीक हो जाएगी तो भाई तुम देख रहे हो रोज फटाफट भाई साहब दिन दो वीडियो डालूंगा मैं इनके साथ में। खैर ये सब बकचोदी बहुत ज़्यादा हो चुकी है भाई, अब मैं जा रहा हूँ पोकेमॉन लीग के, मतलब अपना रुको अपना पोकेमॉन लीग के ऑलरेडी अंदर हूँ मैं। लेकिन अपना जो नेक्स्ट ट्रेनर होने वाला है ना, मतलब अपोनेंट जो होने वाला है वो होने वाला लैंस यानी ड्रैगन टाइप वाला, और उसके बाद अपना गैरी या ब्लू फिल्म जो भी है वो उस लड़ेंगे और फिर गेम खत्म अपना, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मेरे पोकेमॉन्स की हालत। गैंसेक्ट लेकर आया, इसने बहुत सपोर्ट करा है मेरे को, और जो एग्रो ने भाई ने घंटा बराबर मेरे को सपोर्ट नहीं करा सच में। इसको तो ऐसा लाऊं मैं फालतू में मरवाने के लिए अपने पास। और ये सारे पोकेमॉन से यार मुझे मेरे भाई मुझे टीम समझ नहीं आती मैं कि टीम कौन सी रखूँ। तो मैं अंडरस्टैंड आंखें बंद करके जो भी सामने दिखी वो उठा के भर लिया मैंने। और मेरे पास पोशन तो है यार, देऊँ दो ज़रा कहाँ है, फुल रिस्टोर पिल देता हूँ इसको एक, चल बेटे खा ले। ओके हमारा गैंसेक्ट जो है, एक मिनट देख लो यार इसकी पीपी वगैरह सब कुछ फुल है ना, 7 5 4 ना भाई, ना गेंद सकते हैं मेरे को बहुत ही, मतलब इसने मेरा बहुत साथ दिया है भाई साहब, जो बातें कहाँ है मैक्स एलिक्सर ये रही। ओके भाई गेंद सकते हैं मेरे को इस बैटल में, इस लड़की से ना बैटल में बहुत सपोर्ट करा है इसने गेंद सकते। और अब मैं जा रहा हूँ गाइस लैन से भिड़ने के लिए, 3 2 1 ओके और यकीन मानो भाई मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लग गए थे इसके पास पहुँचने में यार। बहुत सारे ट्रेनर्स सच में, साले बहुत मुश्किल से मरे भाई, गेम लोड सेव करके मैं जीता हूँ मैं। अब पता नहीं मैं इसमें अपना एक भी पोकेमॉन मरने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास रिवाइव नहीं है, ठीक है ना। रिवाइव नहीं है तो फिर आगे गैरी मेरी ले लेगा, तो मुझे लोड सेव करना पड़े, जो भी करना पड़े जीतना है मेरे को। ओके 3 2 1 पहले सेव कर लेता हूँ। लीड द इलाइट 4 यू कैन, अब टंटे का इलाइट 4 सारा इलाइट 15 थे यहाँ पर, तो कम से कम 15 लोग से ज़्यादा ही थे, 15 लोग तो थे कम से कम। ओके लीग चैलेंज अंडरस्टैंड, क्या बकचोदी करी मैंने तो इग्नोर कर दिया। ओके तो हेक्सरोस आ चुका है, वो भी शाइनी में। ओके मेरी वार्ड लग सकती है डेफिनेटली, तो जैप कैनन करके मैं भाग लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अर्थक्वेक से उसने मेरी ले ली, प्लीज़ पैरालाइज हो जा। हो गया यहीं मैं चाहता था, अब मैं जल्दी से गेम सेव कर लूँगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके पोकेमॉन बदलने की बारी, यानी कि अपना ग्रेनिंजा ही है जो ड्रैगन टाइप वाले पोकेमॉन की माँ बहने कर सकता था और अब भी कर सकता है, अभी वक्त है, क्योंकि मेरे पास है ब्लिज़र्ड अटैक और वो भी मिस हो चुका है। नाइस एक और ब्लिज़र्ड अटैक, कोई बात नहीं, अर्थ को एक पड़ा, ग्रेनिंजा बच गया। ओके एक ब्लिज़र्ड में ख़त्म करते प्लीज, ऐसे की तैसी भाई इससे ही मारूंगा तो गंग शॉट मार, चल पॉइजन टाइप अटैक देखते कितना इफेक्टिव, टंटा भी नहीं रहा। लेकिन गैंसेक्ट मर चुका है अपना, और अब जाएगा अपना ग्रेनिंजा, देखते ग्रेनिंजा क्या उखाड़ सकता है इस बार। ब्लिज़र्ड अटैक प्लीज, पड़ गया ब्लिज़र्ड अटैक और हेक्सरोस टपक गया। तो पहला चैंपियन, मतलब उसका पहला पोकेमॉन जा चुका है, सेलेमेंस आ चुका है, सेलेमेंस की वार्ड गेम लगा देगा यार। सारे के सारे शाइनी है इसके पास, एक और ब्लिज़र्ड पहली बार में पड़ गया भाई साहब, भाई साहब गार चौंप से भी यही लड़ेगा, गार चौंप से भी यही लड़ेगा। ब्लिज़र्ड अटैक एक बार और पड़ जाता है यार, प्लीज़ का शेट यार। पर बदकिस्मती से मेरे पास एक घंटा भी रिवाइव नहीं है, तो मुझे लोड करना पड़ेगा दोबारा गेम को। इस बार मुझे थोड़ी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि गार चौंप के लिए गार चौंप जाएगा अपना,
और देखते हैं किसका गार्चोम कितने पानी में। ड्रैको मीटियोर से शुरू करूंगा, उसने ड्रैगन रश मारा और मेरे गार्चोम भाई साहब कहाँ का बचा है और अब भी बचा हुआ है भाई साहब, कहाँ तक बचा हुआ है भी मेरा यार। आई विश मैं एक फुल रिस्टोर यूज़ करके देखूँ क्या, एक फुल रिस्टोर यूज़ करके देख लेता हूँ भाई साहब। प्लीज़ यार गार्चो मरियो मत, मेरा भाई मरने मत दिए, उसको मरेगा नहीं बस। यस थैंक यू। ओके अब एक और ड्रैको मीटियोर पड़ गया ड्रैको मीटियोर भाई यार ये मत, ये हरकत ना, ये चिरान पर मत कराएगा मेरे भाई प्लीज़ यार। अर्थ को एक पड़ जाए अब यार ये फिल्में बड़ी बुरी लगती है मेरे को भाई। ड्रैको मीटियोर आधी से ज़्यादा अटैक मतलब हेल्थ ले गया उसकी और अब साला ये देखो ब्लिज़र्ड पड़ गया पहली बार में ही। ओ गार्चोम निकल लिया भाई साहब ड्रैगनाइट हो गया भाई साहब, तो क्या मैं उसका स्टोन एज अटैक मिस चला गया और मेरा ब्लिज़र्ड अटैक पड़ गया था भाई। मैं ना हर बैटल जीतने के बाद सेव कर लूँ डायरेक्टली। एक और ब्लिज़र्ड पड़ जाए तो बात बन जाए, बन गई बात। प्लीज़ जमा दे यार इसको यार, ब्रिक ब्रेक पड़ा और ओके कहाँ पर आके हेल्थ बची। एक और ब्लिज़र्ड पड़ जाए यार पूरी हेल्थ, क्रिकेट हेलेट कुछ तो ले जा मेरा भाई मेरी जान सब कुछ है यार। ग्रीन जब ना टॉप टीयर भाई साहब पोकेमोन है यार, जल्दी से तो हील करना है तो मेरे को कौन सा उसने एरोडैक्टाइल बोला ना, तो एरोडैक्टाइल तो अपना शायद रॉक टाइप और फ्लाइंग टाइप है, तो इसके पास कौन कौन से अटैक्स हैं एक बार देख लूँ ज़रा मैं। डार्क पल्स यहाँ पर मेरे ख्याल से हाइड्रोजन सही रहेगा, हाइड्रेगन को ही भेज हाइड्रेगन चला गया गलती से, पर कोई बात नहीं। तो बहुत देर हो इसका रही बना, देखते फुल रिस्टोर ले ग्रीनजा को। अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं, फुल रिस्टोर ग्रीनजा को मैंने दे दी, नाइस हेड स्मैश मारो वो और हाइड्रेगन मर गया मरवा दिया। ओके ग्रीनजा जाएगा, मेरा अटैक मिस चला गया, यही तो मैं चाहता था। ओके अब यहाँ से मेरा ग्रीनजा संभाल लेगा, हाइड्रोकैनन हेड स्मैश मार दिया उसने। ओके टपक गया। ओके ब्लिज़र्ड हेड स्मैश मारा वो। ओके फिर से टपक गया। एक और चांस हाइड्रोकैनन एक और ओके हेड स्मैश फिर से एक पर आके बची है और एरोडैक्टिल गया बहुत अच्छे ड्रैगन पॉल्ट आ गया पहन के देना। ओके यहाँ से तो मैंने शायद गार्चोम संभाल लेगा यार, पहले सेव करूँ अम्मा भाइन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लोड सेव कर करके सर जीत रहा हूँ, मेरे पास रिवाइव नहीं है भाई साहब, रिवाइव करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है भाई, पोकेमोन मर जाएगा मेरा। ओके उसके लास्ट पोकेमोन बचा है, ब्लिज़र्ड पड़ जाए तो अच्छी बात है, साइकिक फैंग में लग गया। ड्रैगो मीटियोर मरना नहीं, उसका अटैक मिस चला गया, ड्रैगो मीटियोर पड़ गया और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा। यहाँ से प्लीज़ यार एक और ड्रैगो मीटर मैं नहीं मार सकता क्योंकि हराई बना हो जाएगा, मैं जानता हूँ अच्छे से, तो इसीलिए मैं रिवाइव दे देता हूँ, मतलब फुल रिस्टोर देता हूँ अपने ग्रीनजा को। हाँ ग्रीनजा को दे देता हूँ क्योंकि मुझे यकीन है गार्चोम के साथ पूरी हेल्थ नहीं जाएगी। नहीं ये मैं चाहता था। ओके एक और फुल रिस्टोर देनी पड़ेगी लेकिन मुझे सिर्फ अपने गार्चोम को दूंगा मैं ताकि बैलेंस्ड हो जाए। ओके लगा आ रही है और फिर से वहीं पर आ गए, कहानी टक गई अपनी। एक और फुल रिस्टोर, वो अटैक मारता रहेगा और उसकी भी हेल्थ जा रही है साथ में मेरी भी चिंडी मुंडी हेल्थ जा रही है। ओके बहुत अच्छे, मैं यही चाहता था। एक ड्रैको मीटर प्लीज़ पड़ जाए, ड्रैगन ब्रश मरना नहीं भाई यार। यहाँ से मुझे फायर ब्लास्ट या अर्थक्वेक करके देखते हैं, अर्थक्वेक से कुछ होगा क्या, अर्थक्वेक से देखते हैं क्या होगा उसका। ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ लेकिन एक बार ड्रैगो मीटियोर साइकिक फैंग्स अबे तू क्यों बोल रहा है मैं फाइनली जीत गया यार, वो ये बहुत नाटक हो गया, बाल भी तो नहीं बन रहे मैंने कितने मेरे, खैर कोई बात नहीं। ओके तो भाई हमने जो लैंस की तू दूर रहे यार, माइक मेरा बार बार हिलता रहता है। ओके अब ठीक है, तो यार फाइनली हमने जो है लैंस की वार्ड लगा दी, यानी कि इलाइट 4 वाली बकचोदी खत्म हो चुकी है, मतलब इलाइट 4 नहीं इलाइट 15, इलाइट 15 है भाई। यू आर नाउ द पोकेमोन लीग चैंपियन और यू वुड हैव बीन भाई साहब मेरा एक भी पोकेमोन नहीं मरा, खुशखबरी यही है, भले चीटिंग करी हो मैंने लेकिन 100% चीटिंग नहीं करी, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि चीटिंग करो लेकिन सिर्फ 99% या 98% तक, पूरी 100% ना करो, वो अलग बात है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बंदे को फुल मतलब 100% ही चीटिंग करनी पड़ जाती है। खैर जो भी है अपने को क्या, अपन तो जीत गए अरे बहुत क्रिंज हो रहा हूँ आजकल, कोई बात नहीं गेम सेव, पोकेमोन सारे हील हो चुके हैं और अब गाइस जाने वाले हैं गैरी की वार्ड लगाने के लिए, तो चलते हैं
और हे ज़ू, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, माय रिवल शुड बी ओके। तो टाइम स्किप करने के बाद हमारा आने वाला है टाउ कैनन, यानी गैनसेक्ट आगे अभी है, कोई बात नहीं, ज़ैप कैनन से उसको। यार चूतिया है क्या यार, अबे क्या है यार अटैक मिस, प्लीज ज़ैप कैनन से और उसको पैरालाइज कर दे भैया, प्लीज 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 प्लीज। पैरालाइज हो चुका है, वॉल्वमेंट कर दिया और एग्रोन आ गया सामने भाई, किस खुशी में यार। एग्रोन भाई तो है क्यों इस गेम के अंदर यार, फालतू में लिया है इस बंदे को तुम्हें। और डायनेमिक पंच है, हेड स्मैश मार के देखता हूँ, हेड स्मैश पड़ गया। ओफो एग्रोन भाई साहब पहली बार एक बैटल जीता है कसम से भाई, पहली बार जीता है यार एग्रोन ने, एक फाइट नहीं जीतवाई। साले को मैं डिफेंस के लिए भेजता था ना तो साला उल्टा मरकर ही आता था, तो मैं इसको रिवाइव वगैरह के लिए यूज़ करता था हमेशा। लेकिन ओके फाइन, ओके नाइस। तो अब यार गैराडोस के लिए मुझे वापस गैनसेक्ट को भेजना पड़ेगा, क्योंकि गैनसेक्ट काफ़ी चिरांद पोकी, मेरे मतलब गैराडोस काफ़ी चिरांद पोकीमोन है यार, इसको हराना मुश्किल नहीं जब तक तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक टाइप पोकीमोन ना हो। तो ज़ैप करने से उसको पहले तो पैरालाइज कर दे, पैरालाइज कर दे, हाइड्रो ब्लास्ट कर दिया उसने। यार इस बार चीटिंग नहीं करूँगा, ईमानदारी से खेलूँगा पूरी, ठीक है ना, पूरी ईमानदारी से खेलूँगा यार मैं। गार्डचॉम जाएगा, ओके गार्डचॉम का ड्रैको मीटियोर डबल टीम करा उसने, नाइस अटैक मिस, डबल टीम एक और करा उसने, ड्रैको मीटियोर मिस, एक और डबल टीम, फिर से अटैक मेरा मिस, एक और ड्रैको मीटियोर डबल टीम करा, बहन कर देना मैं भैया मार दे बस कर, मोबाइल से बाहर आ जाएगा क्या डबल टीम कर करके। अरे यार इतनी चुन्नी सी हाल गई, ग्लोस कॉम्बैट पड़ेगा इसके ऊपर, मुक्के धेल लाते लेकिन डंटा हेल्थ नहीं गई उसकी, नाइस बहुत अच्छे। फायर ब्लास्ट का तू ड्रैगन रश मारा उसने, और मेरा देखो क्या हाल हुआ है। और यार मरने वाला था लेकिन उसे फुल रिस्टोर ले लिया, नाइस कोई बात नहीं, ओके ले एक और ज़ैप कैनन का। फिर से पैरालाइज हो चुका है वो, और फिर से अपनी मौत के कगार पर पहुंच चुका है वो, और दोनों के अटैक मिस हो गए भाई साहब। बहुत ही घमासान यूज चल रहा है हमारा, एक और ज़ैप कैनन उसका अटैक, मतलब मेरा ही अटैक मिस हुआ, और कहां कहां पे बची है मेरी हेल्थ। अबे मैं मारना, अबे मारा क्यों नहीं चौदह चंद्रे। रिस्टोर खत्म कर दे भाई, ले तू कितनी लेगा फुल रिस्टोर तू आज ले, और भाई साहब नहीं ली इसने उस बार, लगता है खत्म हो गई उसकी फुल रिस्टोर। आर्कनाइन आ चुका है, तो आर्कनाइन के लिए अपने पास है ग्रेनिंजा, गो गो ग्रेनिंजा, गो 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 ग्रेनिंजा, गो गो ग्रेनिंजा। हायरो कैनन से सफाई कर दे इसका, ओके आर्कनाइन आर्कनाइन बच गया साला, कोई बात नहीं होता रहता इतना। और एक और हाइड्रो कैनन, हाइड्रो कैनन प्लीज पड़ जाएगा भाई, अबे यार फुल रिस्टोर ले ली साले ने हाइड्रो कैनन से, ओ आधी हेल्थ, ओके इतनी काफ़ी है, अगर मैंने फिर से इसके हाइड्रो कैनन मार दी तो बेटर होगा। बैट चलो यार, बार बार चीटिंग करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, कभी कभार हारना भी सही पड़ता है इंसान को। सेलेबेंस जाएगा मेरा, और इसका एक अटैक ड्रैगन रश सुपर पावर करा उसने, सेलेबेंस के टंटा भी असर नहीं हुआ अटैक मिस क्यों हो गया भाई मेरा। एक और ड्रैगन रश मत कर भाई, सुपर पावर वेस्ट ना कर, अपनी पे मारना चूतिया। सुपर पावर ओके ओके, अब मारा ना, अब मारा, आर्कनाइन गया, गार्ड चौंप आके बैन कर देना। गार्ड चौंप की कमजोरी क्या थी यार, गार्ड चौंप की कमजोरी है खुद गार्ड चौंप, वैसे ग्रेनिंजा आती है लेकिन ग्रेनिंजा टपक चुका है अपना। तो अर्थ को एक से कमाल दिखाई, पहले अपना ड्रैगन रश दिखा दी उसने पहले ही, और मेरी अर्थ कहाँ पर आकर बची, लेकिन अर्थ को एक पड़ गया, और इससे जो ड्रैगन रश मार देता मैं, मतलब ड्रैगन मीटियोर, पर कोई बात नहीं, टपक चुका है अपना ये पोकेमॉन। हाइड्रोगन जाएगा, हाइड्रोगन का आउटबर्स्ट अटैक काफ़ी, अब कौन सा अटैक मार दिया मैंने, क्या फ़र्क पड़ता है, वो वैसे भी टपक चुका है, वो रिवाइव देने के लिए अपना कौन सा बुक भेजना चाहिए। चलो एग्रोन को मरवाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ज़रा भाई एक मिनट बैठे ज़रा यहाँ पे, तो मैं अपना फुल रिस्टोर दूँ ज़रा इसके वो ग्रेनिंजा को, ओके नाइस मार दे उसको साले को भाई, वैसे भी नहीं जितवाता मेरे को बंदा। चलो एग्रोन की हत्या हो चुकी है, अब जाएगा मेरा ग्रेनिंजा, ग्रेनिंजा का अपना ब्लेजर अटैक की बात या बात अलग है यार, ओके और उसका अटैक मिस भी हो गया था यार, कमाल की बात। देखो गार्डचोम का अटैक मिस हो गया, मैं जीत गया, वीनसुअर आ गया साला, वीनसुअर से बड़ी किलस थी भाई मेरी। अब वीनसुअर के लिए मेरे पास है फायर ब्लास्ट वाले पोकेमॉन भेजने पड़ेंगे, पर ग्रेनिंजा को आगे रखूँगा क्योंकि इसके पास है ब्लिज़र्ड अटैक, और अटैक मिस हो गया मेरा, नाइस अभी मेरे पास मौका है ब्लिज़र्ड मारने का, पहन के देना। चलिए यार ब्लिज़र्ड कमॉन, देखते क्या करेगा, तो उसका हशर, नाइस बहुत अच्छे यार, एक और ब्लिज़र्ड और विनोसॉर खलास
बहुत क्रिंज होता यार। इलेक्टिवायर भी यार अभी इसके पास, अबे यार गार्डचॉम भी जाएगा जाहिर है, क्योंकि गार्डचॉम भी एक लोता पोकेमोन है जो उसकी वार्ड लगा सकता है, वरना इलेक्टिवायर मेरी पूरी टीम को खलास कर देगा। तू क्यों हिल रहा है दोबारा से? ओके शांत, ओके तो मुकाबला बहुत टक्कर का तो घंटा भी नहीं है, और तो एक से मारो और आइस पंच है उसके पास। अच्छा ओके कोई बात नहीं, हाइड्रीगन है मेरे पास अभी, हाइड्रीगन आउटबर्स्ट करके दिखा, आइस पंच बच गया आउटबर्स्ट से वो, वे यार आउटबर्स्ट एक वो लंच करा वो और मर गया। ये लंच है क्या पहन कर देना फिर ये? ओके सेलेमेंस प्लीज यार कर दे कटाई इसकी। फायर ब्लास्ट मार रहा हूँ मैं इस बार आइस पंच का 14, आइस वाले मुक्के मारा पहन कर देना। ओके गैनसेट कब भी जितवा सकता है मुझे, शायद डाउनलोड कर रहा है कुछ ही अपने अंदर, पर जैप कैनन तो नहीं। बग बर्स गंग शॉट करके देखता हूँ एक बार, थंडर पंच कर दिया उसने, गंग शॉट पड़ा तो पॉइजन टाइप अटैक इफेक्टिव रहा, गंग शॉट ही मारूंगा अब तो मैं, अब तो मैं गंग शॉट ही मारूंगा भाई, अब तो मैं जीत गया, अब मैं जीत गया। गार्ड चॉम्प थंडर पंच, ओके यार क्या है, कोई बात नहीं होता रहता है, होता रहता है, दिक्कत वाली बात नहीं है वही। ओके ब्लेजर अटैक थंडर, गंग शॉट थंडर पंच से कुछ नहीं होना था ना वैसे तो, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही कुछ हो चुका है अपने गेन सेट के साथ। एक और गंग शॉट थंडर पंच से टपक गया, हर बार थोड़ी बचा लेगा बेचारा, तो अब जाएगा अपने गार्डचॉम पर, देखते हैं गार्डचॉम क्या उखाड़ सकता है। गार्डचॉम को अगर सिर्फ एक अर्थ को एक पड़ गया तो भाई बात बन जाएगी। आइस पंच पर वैर बच गया फाइनली यार मैं जीत चुका हूँ यार, फाइनली मैं जीत गया यार, बड़ा रुलाया इस पहन के दिन ने मेरे को, ले भाई ले 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 यार भाई, व्हाई डिड आई लूज, क्योंकि तू चू दिया है, तू कमजोर है, तू गेम का एक कैरेक्टर है भाई, एकदम साइड वाला, तू राइवल वाला कैरेक्टर, तू टंटा है, तू कुछ भी नहीं है, तू घंटा है। बॉस मैं हूँ उस गेम का, पापा मैं हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि लोड सेव कर करके तो मैं ही जीता हूँ भाई। वैसे जो बात है चीटिंग तो अपन ने करी है, बट क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, वैसे स्क्वाडल उसके पास है नहीं, पर स्क्रिप्ट वाले साले बहन के दिन है पोकेमोन का इधर उधर के हैक बना दे, लेकिन स्क्रिप्ट चेंज नहीं करते हैं। देखो अभी भी स्क्वाडल वाली बकचोदी कर रहा है, जबकि उसका बल्बसौर पड़ा हुआ था। खैर जो भी है, इलाइट 4 तो है विन डंटा, इलाइट 15 है साली यहाँ पर। ओके चल भाई चलो, हेलो हॉल ऑफ फेम के अंदर अपना नाम बनाएंगे ज़रा अपना, दुनिया भर में मशहूर हो गए होंगे हम तो। जूब ये और चबड़े और देखते पोकेमोन्स। ओके डोंट ओ गेंसेक्ट हाइड्रीगन ग्रेनिंजा एग्रोन, एग्रोन तो किसी काम करे तो हटा दो। खैर और मैं आज कहूँ जो, ओके आईडी नंबर 28272, टाइम 51 मिनट्स 14 सेकेंड, व्हाट क्या फ़र्क पड़ता है। ओके लीग चैंपियन उड़ गए, ओके ये इसकी क्लस्ती भी गई, कुछ बोला ही नहीं मेरे से इसलिए वो तो गाइस फाइनली गेम का एंड हो चुका है, और तुम भी जानते हो ये बात, मैं भी जानता हूँ गेम अभी पूरी तरह से एंड नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी इस गेम के अंदर, जैसे कि बहुत सारी सिटीज जो होती है और बहुत सारी केव छुपे हुए अड्डे वगैरह ये सारी हैं अभी, माल पानी जो मुझे करना रह गया है वो हम करेंगे अगले एपिसोड के इस गेम के अंदर। आज के लिए इतना काफ़ी था, और मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से यार लेट वीडियोस डालने के लिए, खुशली हो रही है चल मच्छर काट काट के आ रहे हैं। खैर ओके तो यार लेट वीडियोस तो आती रहेंगी, और यार देखो आलस खत्म होने तो मेरी जल्दी, ठीक है ना, मेरे मतलब आलस साले मेरी बहन के दिन बाल मेरे मेरी एक बार भाई आलस खत्म होने तो फिर तुम देखना बहन के रोज वीडियोस आएंगे, रोज दिन में दो बार तो आएंगी। हालांकि मैंने 4-5 महीने लगा दिए इस गेम को खत्म करने में, जबकि ये गेम आधे महीने का ही था, अगर दिन में दो वीडियोस डालता तो मैं, लेकिन यार कसम से इतनी आलस कौन करता है भाई साहब, मैं सीरियस नहीं हूँ शायद यूट्यूब चैनल को लेकर शायद, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि ओ टर्डविक और वाइट गेंग आ रही इस गेम के अंदर शुरू में। खैर स्टार्ट करते हैं दोबारा से और सेव, ओके मैं पोकेमोन लीग जीत चुका हूँ ना, हाँ पोकेमोन तो है मेरे पास पर, वही तो को भाई दोबारा मैं कहाँ से टपक गया मैं, ओ ये मेरा ही घर, तो मुझे अपने घर के अंदर जाना है, मम्मी को हाय हेलो करना है, हेलो मम्मी छोड़े छोड़े छोड़े, बस मम्मी ने कहा रेस्ट ले लो बेटा और बाहर में जा, और ओके बाहर में आ गया मैं, अब मुझे पोकेमोन मतलब प्रोफेसरों की दुकान, ये रही प्रोफेसरों की दुकान, चल भाई अंदर, ओए बुड्ढे आ गया मैं, गुड टू सी यू ऑजर पोकेटा, अबे भाई पोकेमोन लीग जीत कर आया हूँ मैं, भूल गया क्या, अभी भी तेरी वार्ड लगाई थी मैंने, नेशनल टैक्स अंडी अंडी मंडी,
Excellent. I have to ask. I need to ask you. There have been sightings of many rare Pokemon species. I am talking in. You have seen Kanto. I would love to see your guys. But I am sure there is one only like you and Marjan. Oh, आ गया ये. Oh, कोई नीचे खुलने वाली क्या? World with favoring or super world. I want our character more going faster. You should just let me handle everything. I know now. Of course, I need your help. भाई क्लस थ्री गैरी की. वो कह रहा है कि बुड्ढा हमेशा इस राइड को है ना सारे काम देता है, इसको कुछ नहीं देता. यानी कि गैरी को वो लायक नहीं समझता. ओक टू उसने हम दोनों की पॉकेट एक्स ले ली. अब ग्रेड मारने वाला है वो. ओके अपग्रेड मार दी इसने पॉकेट एक्स. दिस टाइम यू रियली वांट्स टू छोड़ छोड़ पोकेमॉन हिस्ट्री पोकेमॉन जोड़ आइलैंड आइलैंड आई एम आउट हियर. पर जाना कहाँ है मेरे को? लेकिन ना आइलैंड के लिए मैं किधर जाऊँ बे? आइलैंड की माँ की थूक. भाई मैं तो जीत चुका हूँ भाई. जो बात है अपन तो गाइस जीत चुके हैं यार पोकेमॉन लीग. और अपना गेम जो है 85% बोल सकते हैं 80% गेम अपनी कंप्लीट हो चुकी है. बाकी 20% हम कर रहे हैं अगले वीडियो के अंदर. सारे अड्डे सारे राज पढ़ते हैं फास्ट को, मतलब डायलॉग नहीं बन रहा. खैर हम सारे राज खोल देंगे अगले एपिसोड के अंदर इस गेम के, अगर जल्दी आया तो. तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर तुम मेरी वीडियोज पसंद आते हैं तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो. तब तक लिए गुड बाय गुड बाय गुड बाय. तू बताइए बाय बाय.